जो दोषी है वो पकड़े जाए, जो निर्दोष हो हम उसकी जांच करें। संतोष की हत्या मौत हो गई और बबलू जिंदगी मौत के साथ जुड़ गया। सरकार को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, अविलंब सबकी गिरफ्तारी हो और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग लग करके इस परिवार को कम से कम 4 लाख से 6 लाख रुपए की मुआवजा दिलवाएं। निर्दोष को ना फंसे और दोषी किसी कीमत पर बख्शा ना जाए, एसपीडी ट्रायल हो और यदि गिरफ्तारी नहीं होती है दोषी तो उसकी कुर्की जब्ती किया। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बीते दिनों पूर्णिया में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दिया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी और दूसरा का अब भी इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनके घर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव देर रात उनके घर पहुँचे, उनके घर में उनके लोगों से मिले और किस तरीके से भावुक हो गए पप्पू यादव। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहा है उसको लेकर पहले सुनिए। लगातार जिस तरीके से समाज में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है और कानून का एक इकबाल खत्म हो गया, आम आदमी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर के गोली चला देना, मार देना, फिर धमकी देना, सौरिया पंचायत के कारू मंडल टोला में जिस तरीके विभत्स घटना घटी है, संतोष की हत्या मौत हो गई और बबलू जिंदगी मौत के साथ जुड़ गया। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो घटना घटित हुई है वो कहीं ना कहीं एक मजबूत और दबंग परिस्थितियों के कारण घटना घटी। सिर्फ कुछ पैसे मांगने के कारण दबंग लोगों के द्वारा जिस तरीके से घटना का अंजाम दिया गया, सरकार को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। अविलंब सबकी गिरफ्तारी हो, जो दोषी है वो पकड़े जाए, जो निर्दोष हो हम उसकी जांच चाहें, निर्दोष को ना फंसे और दोषी किसी कीमत पर बख्शा ना जाए, एसपीडी ट्रायल हो और यदि गिरफ्तारी नहीं होती है दोषी तो उसकी कुर्की जब्ती किया। हम एसपी से डीएसपी से मांग करते हैं कि इस केस को एसआईटी या अपने स्तर से जांच कर घटना में जो जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उन पर अविलंब कार्रवाई। दूसरी तरफ रुपौली उत्तर पंचायत मंडल टोला जहां पर सरकारी लापरवाही के कारण, एसडीओ की लापरवाही, इंजीनियर की लापरवाही के कारण बहुत पुराना 11,000 तार जिस तरीके से गिरा और हमारे एक बुजुर्ग क्या नाम किसान सूर्यनारायण मंडल जी की मौत हो गई, इसमें मैं अविलंब मुआवजा और इस पंचायत के लगभग जो दूरी पर पोल है उसको अविलंब चेंज किया जाए, तार को चेंज किया जाए। एसी साहब से बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग लग करके इस परिवार को कम से कम 4 लाख से 6 लाख रुपए की मुआवजा दिलवाएं। दूसरी तरफ जो बिल्कुल जर्जर हालात हो चुके हैं और भी अप्रिय घटना घट सकती है तार गिरने से, अविलंब तार बदला जाए और पोल की दूरियां जो है उसको निर्धारित। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से पप्पू यादव उनके घर गए और उनके बच्ची को देखकर भावुक हो गए थे, लेकिन पप्पू यादव बिहार सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में आए दिन अपराध की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है उसको लेकर पप्पू यादव चिंतित है और पप्पू यादव ने बिहार सरकार से मांग की कि एसआईटी की गठन करके जल्द से जल्द इसकी जाँच हो और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।